कनाडा में अटलांटिक तट पर मौजूद नोवा स्कॉटिया प्रांत में हाईवे के किनारे धुएं का भयंकर गुबार दिखाई दिया। बताया गया कि नोवा स्कॉटिया के जंगलों में लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है और ये आग अब हाईवे तक पहुंच गई है और तेजी से फैल रही है। नोवा स्कॉटिया के जंगलों में लगी आग की वजह से अब तक हजारों लोग अपने ठिकाने छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली थी। हाईवे से लगी इन तस्वीरों में जंगल के ऊपर धुएं का जबरदस्त गुबार दिख रहा है, मानो तूफान से पहले बादल उमड़ रहे हों, लेकिन ये गुबार जंगल की तबाही के गवाह थे। Travel and activity in our woods is banned. We're going to stop the travel. We have to do what we can to make sure we don't have any new fires popping up. So नोवा स्कॉटिया के जंगलों की आग ने सैकड़ों मकानों को नुकसान पहुंचाया है। तेज हवाओं के साथ साथ रूखे मौसम में फायर फाइटर्स के लिए आग की लपटों पर काबू पाना और भी चुनौती भरा साबित हो रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अगले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अगले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने वाशिंगटन जाएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों नेता इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध और रूस और चीन के बढ़ते संबंधों पर चर्चा कर सकते हैं। साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन के विमान आमने सामने आ गए। अमेरिकी सेना का विमान साउथ चाइना सी के ऊपर इंटरनेशनल एयर स्पेस में उड़ान भर रहा था, तभी चीन का फाइटर जेट उसके आगे आया और खतरनाक तरीके से अमेरिकी विमान को रोकने की कोशिश की। पेंटागन ने इस घटना का वीडियो जारी कर नाराजगी जताई है। तुर्की में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। अंकारा शहर में लगातार बारिश के चलते कई जगह पानी भर गया, वहीं तेज हवाओं के कारण भी भारी नुकसान हुआ। द गॉडफादर फेम एक्टर अल पचीनो 83 साल की उम्र में चौथी बार पिता बनने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनसे 54 साल छोटी उनकी गर्लफ्रेंड 8 महीने की प्रेग्नेंट है। मध्य प्रदेश के दमोह में एक निजी स्कूल के पोस्टर पर विवाद छिड़ गया है। स्कूल ने छात्राओं के अच्छे रिजल्ट को दिखाते हुए शहर में पोस्टर्स लगवाए थे, लेकिन विवाद की वजह पोस्टर में दिख रही लड़कियों का हिजाब बन गया। इस स्कूल के पोस्टर को आप देख सकते हैं, सभी लड़कियां हिजाब में दिख रही हैं, लेकिन इसमें से कई लड़कियां हिंदू धर्म को मानने वाली हैं। ऐसे में हिंदू धर्म की लड़कियों को हिजाब में दिखाने को लेकर लोग नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बड़ी कि मामला प्रदेश के गृह मंत्री तक पहुंच गया। उसकी जाँच कराई है, प्रथम दृष्टया जिला शिक्षा अधिकारी को जाँच के लिए भेजा था। जाँच में उनके परिवार वालों ने कोई इस तरह की शिकायत नहीं की है। हालांकि लगातार हो रहे विरोध को देखते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले की जांच एसपी से करवाने की बात कही। उसके बावजूद भी मैंने पुलिस अधीक्षक को उसकी गहन जांच के लिए बोला है। पोस्टर दमोह के गंगा जमुना कॉन्वेंट स्कूल का है, जिसका संचालन एक मुस्लिम संस्था करती है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आश्वासन के बाद भी हिंदू संगठनों का गुस्सा कम नहीं हुआ। दमोह में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में प्रदर्शन किया और स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव भी किया और एसडीएम से तुरंत कार्रवाई की मांग की। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रशासन पर दबाव डालने का भी आरोप लगाया। कौन सा दबाव है उस स्कूल के मतलब मैनेजमेंट का कि वो जबरदस्ती हिंदू बच्चों को भी कहते हैं कि आप हिजाब पहन के आओ। भारी हंगामे के बीच एसडीएम और कई पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, जिसके बाद हिंदू जागरण मंच ने एसडीएम को मामले की जांच के लिए ज्ञापन सौंपा। जो ज्ञापन मिला है इसके संबंध में जरूर हम लोग कमेटी गठित करेंगे और इसकी जांच करके आप लोगों को अवगत कराएंगे। दरअसल डीएम ने अपने स्तर पर पोस्टर की जांच के बाद स्कूल को क्लीन चिट दे दिया था, जिसके बाद हिंदू जागरण मंच बेहद नाराज हो गई। हिजाब विवाद में अब सियासत भी गरमाने लगी है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर रोक लगाने का ऐलान किया है और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि अगर स्कूल ने बच्चों के अभिभावक से लिखित में ड्रेस के लिए इजाजत नहीं मांगी है तो कार्रवाई होगी। स्कूल के संचालक ने बच्चों पर अपनी मान्यताओं का ड्रेस लादा है और उस पर कलेक्टर को और एसपी को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। पूरे विवाद के बीच सरकार ने प्राइवेट स्कूलों का ड्रेस कोड तय करने का ऐलान भी कर दिया। जैसे सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, मुझे लगता है कि हमको आगे आने वाले समय में और ये ड्रेस कोड लागू करने की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। दरअसल मध्य प्रदेश में अभी राज्य सरकारें सिर्फ सरकारी स्कूलों का ड्रेस कोड तय करती हैं। राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या आने में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, सरकार इस पर ध्यान दे रही है। अयोध्या में राम मंदिर का काम पूरा होने से पहले श्रीराम एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल इस एयरपोर्ट के रनवे का काम 95% तक पूरा हो चुका है। रनवे के साथ ही एयरपोर्ट की इमारत का काम भी 70% तक पूरा हो चुका है और ये दो काम पूरा होते ही इसी साल जुलाई से एयरपोर्ट पर ऑपरेशनल काम भी शुरू हो जाएगा, जिसके बाद दीपावली से पहले अयोध्या में हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि शुरुआत में 160 यात्रियों की क्षमता वाले घरेलू विमानों को ही उड़ान की इजाजत दी जाएगी।
लेकिन बाद में यहां दुनिया के कई देशों से सीधे आने जाने की सुविधा दी जाएगी। बताया गया है कि एयरपोर्ट परिसर में अधिकतम 300 यात्रियों की कैपेसिटी होगी। राम मंदिर की तर्ज पर बनाए गए अयोध्या के एयरपोर्ट को मंदिर में लगे पत्थरों से ही बनाया गया है। एक तरफ इमरान खान अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्हें शादी का ऑफर भी मिला है। ये ऑफर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया है। जी हां, लंदन की टिकटॉकर जिया खान ने दिया है ये ऑफर। वो इमरान खान की चौथी बीवी बनने को तैयार है। लंदन की टिकटॉकर जिया खान का कहना है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान 70 साल के हैं। जिया ब्रिटेन में आयोजित मिस कॉन्टिनेंटल यूके 2023 के फाइनल में पहुंच गई हैं। एक इंटरव्यू के दौरान अपने लिए पाकिस्तानियों से मतदान की अपील करते हुए उन्होंने इमरान के लिए अपने इश्क का इजहार किया। प्लीज वोट फॉर मी यार, एक वोट दे दो, लाइक प्लीज नवाज शरीफ को इतने वोट देते आप, हाँ इमरान खान को आप बचाते हैं, जिया खान को भी बचा लें, क्योंकि अगर मुझे बचा लेंगी तो मैं इमरान खान की फोर्थ वाइफ बन चूंगी। जिया का कहना है कि वो इमरान से शादी करके उनकी जिंदगी में ग्लैमर लाना चाहती हैं। उन्होंने कहा वो इमरान और बुशरा बीवी का रिश्ता खत्म कराना चाहती हैं। खान, यू नीड जिया खान इन योर लाइफ, सो प्लीज इफ यू वांट टू हैव ए गुड लाइफ यू नीड टू हैव जिया खान इन योर लाइफ। हाल ही में एक पाकिस्तानी धर्मगुरु ने इमरान बुशरा की शादी को गैर इस्लामिक करार दिया था, जिसके बाद जिया खान इमरान से अपनी शादी की उम्मीदें लगा बैठी हैं। राजनीति के अलावा इमरान खान अपनी निजी जिंदगी की वजह से भी खूब चर्चा में रहते हैं। समय समय पर उनकी शादियां भी सुर्खियों में रही हैं। इमरान ने 1995 में ब्रिटेन के अरबपति जेम्स गोल्ड स्मिथ की बेटी जेमिमा से पहली शादी की थी। पेशे से पत्रकार जेमिमा 2004 तक इमरान के साथ रही। इमरान की दूसरी शादी 6 जनवरी 2015 को पत्रकार रहम खान से हुई। दोनों के बीच का ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिका। शादी के 9 महीने बाद ही यानी 30 अक्टूबर 2015 को ही दोनों ने तलाक ले लिया। इमरान खान ने पंजाब के राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने वाली बुशरा बीवी से 2018 में तीसरी शादी की। बुशरा की भी ये दूसरी शादी थी। एक तरफ पीटीआई के नेता बारी बारी से इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति आरिफ अलवी और इमरान खान की लंबे समय से चली आ रही दोस्ती भी अब टूट गई है। इतना ही नहीं, आरिफ अलवी ने न केवल पाकिस्तानी सेना से हाथ मिला लिया है बल्कि इमरान खान के विरोधी नवाज शरीफ की राजनीति में वापसी का रास्ता भी साफ कर दिया है। आरिफ अलवी ने ऐसे बिल पर हस्ताक्षर कर दिया है जिसमें नवाज शरीफ अपनी सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि आरिफ अलवी और इमरान खान के बीच आखिरी बातचीत 24 मई को हुई थी। इमरान खान राष्ट्रपति के संदेशों का भी जवाब नहीं दे रहे। अब इमरान खान सदर मुमलिकत के पैगाम का जवाब नहीं दे रहे। सदर मुमलिकत ने 9 मई के वाकये के बाद रहनुमाओं की तरफ से पार्टी छोड़ने पर इमरान खान से गुफ्तगू की थी। इमरान खान इस बात से नाराज हैं कि उनकी पार्टी का अस्तित्व संकट में है, उनके चुनाव लड़ने पर बैन लग सकता है। ऐसे में पाकिस्तानी राष्ट्रपति उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरिफ अलवी पाकिस्तानी सेना प्रमुख और शहबाज सरकार के आगे झुक गए हैं। पाकिस्तान में गृह युद्ध की आशंका के बीच सेना का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भरोसा उठ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना शहबाज की जगह बिलावल भुट्टो जरदारी की ताजपोशी करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना की नजर में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चमक लगातार फीकी पड़ रही है। इसलिए पाकिस्तानी सेना विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सेना की नजर में बिलावल भुट्टो का कद पिछले कुछ महीनों में काफी बढ़ा है। सेना का मानना है कि बिलावल पाकिस्तानी जनता के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। सेना ये भी मान रही है कि बिलावल दल बदलुओं को अपने साथ लेकर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। पाकिस्तान में इसी साल अक्टूबर में आम चुनाव होना है, उससे पहले बिलावल की पार्टी पंजाब के दक्षिणी सिंध प्रांत में मजबूत हुई है। पाकिस्तानी नेशनल असेंबली की लगभग आधी सीटें यहीं पर हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर सेना पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जनरलों का बनाया कानून मुल्क को तबाह कर रहा है। इसके साथ ही इमरान खान ने कहा कि जो लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान मुश्किलों से निकल जाएगा वो गलतफहमी में ना रहे। पीटीआई नेता ने कहा कि अगर कानून का राज स्थापित नहीं किया गया तो पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। जब तक हमारे मुल्क में एक मजबूत गवर्नमेंट, और मजबूत गवर्नमेंट क्या होती है, ये नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे खड़ी है, ये मजबूत गवर्नमेंट नहीं होती। मजबूत गवर्नमेंट वो होती है जिसके पीछे आवाम खड़ी होती है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि वो सबसे ज्यादा खतरे में है क्योंकि उनकी जान लेने की एक और कोशिश होगी। अगर किसी को सबसे ज्यादा खतरा है वो मुझे खतरा, जान तो मेरी खतरा है। इन्होंने ये किया, दो मेरे ऊपर अटैक, कत्ल करने के वारदात हो चुकी है, मुझे पूरी तरह पता है कि एक दफा ये और करेंगे। इमरान ने शहबाज सरकार पर कानून के शासन को खत्म करने और अर्थव्यवस्था को खत्म करने का आरोप लगाया। जीनी।